नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। हम आपको बता दें, जिले के उस कोने पर मौजूद है जहां एफएम का संचालन होता है। महरुआ थाना क्षेत्र में मौजूद है, जो जिले में एफएम की दुनिया में कदम रख धूम मचाया हुआ है। 90.4 एफएम रेडियो के संचालक हमारे साथ आलोक सिंह की बात करने के लिए मौजूद है। इस समय चर्चाओं में बाजार गर्म, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में बने हुए जूनियर योगी जी, हम उनसे बात करने के लिए मौजूद है। इस समय आपको बता दें, निकाय चुनाव चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ जी के माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही उसे लेकर जो है चर्चा में बने हुए हैं। उन्हीं सब डायलॉगों को लेकर आपको बता दें, किस समय सोशल मीडिया पे जूनियर योगी चर्चा में बने हुए हैं। सीधे हम चलते हैं जूनियर योगी। जूनियर योगी जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है जी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है, कुछ लोग मुझे रॉबर्ट सरनेत के नाम से भी जानते हैं, और अब तो जूनियर योगी जी के नाम से सभी जानते हैं, और मुझे भी ये नाम बहुत ज्यादा पसंद है जी। इस समय बड़े पाकिस्तान पे जो है मुख्यमंत्री जी के वो आ रहे हैं आतंकवादियों पर, कुछ ऐसे डायलॉग जो चर्चाओं में है उसको हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। पाकिस्तान का आपने नाम लिया तो योगी जी का वो डायलॉग मुझे याद आता है, जो वो कहते हैं, देखिए मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान चले जाएं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो उसे किराया भी मुहैया करा देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी को जवाब देते हुए कहा था, अतीक हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनका मिट्टी में मिला देंगे, तो ऐसे डायलॉग जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने दिए जो चर्चाओं में, वो कैसे आते हैं? जब योगी जी ने बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, और इससे ही मिलता जुलता एक हम लोगों ने वीडियो बनाया कि चूंकि मैं जूनियर योगी जी हूँ, योगी जी हैं वो, तो हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पुष्पा को लेकर के और योगी जी के इस डायलॉग को मर्ज करके कुछ बहुत क्रिएटिव वीडियो बनाई है, जो आपको हमारे चैनल जूनियर योगी जी पे देखने को मिलेगी। तो उसमें मैंने ये बोला था योगी जी की आवाज में, ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या, कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा, इस तरीके से वो डायलॉग। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लम्हुआ में कर रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर कैसा उनका चर्चा में डायलॉग है? देखिए, निकाय चुनाव जो है वो जगह जगह हो रहे हैं। अब चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मुझे पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी जो है रहता है, और फिलहाल मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ माफियाओं को लेकर के। देखिए, सभी को मिट्टी में मिलाने का कार्य योगी सरकार करेगी। जो चर्चाओं में समय आपके वीडियो हो उसको थोड़ा समय दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जो आईपीएल चल रहा है और जियो सिनेमा पे भोजपुरी कमेंट्री भी हो रही है, तो उस पर योगी जी किस तरीके से कमेंट्री करते हैं, इस पर एक हमने वीडियो बनाया था, जो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो कुछ ऐसे हमने बनाया था। देखिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, देखिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और योगी जी की आवाज निकालते निकालते मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, तो इसका आप समझ सकते हैं कि मुझे भी डर रहता है कि योगी जी की आवाज निकाल रहा हूं, थोड़ा तो डर लगना चाहिए। तो इस पर भोजपुरी कमेंट्री क्या करते हैं योगी जी, वो ऐसे था, देखिए माही अपन बरवा धोले बानो शैम्पू से, वो देखिए बाला रावत आना टेम्पू से, इस तरीके से। और क्या चर्चाओं में है? और ऐसी तमाम वीडियोस हैं, मतलब आपको बता दें कि हमने करीब 50 वीडियोस से भी ज्यादा क्रिएट कर चुका हूं मैं चैनल पे, और हम लोग साथ में मिलकर स्क्रिप्टिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आपने देखा होगा इन भाई साहब को, कई लोग इनको ओवैसी कहते हैं, कई लोग अतीक अहमद कहते हैं, कई लोग क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वर्सेटाइल कैरेक्टर जो है मैं अपना कॉमन रखता हूं और इनका बदलता रहता है, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देखेंगे, तो उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा। ओवैसी जी को मुख्यमंत्री जी अगर जवाब दें तो किस भाषा में देंगे? देखिए वो सब तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत पहले एक मेरा डायलॉग था, ये कौन बोला ना, कहां से बोलता, हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए आप, देखते रहिए बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर कैसे मुख्यमंत्री इस समय बोल रहे हैं? देखिए मैं बहुत लोगों से परेशान नहीं रहता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि औरंगजेब और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को जो लोग आइकॉन मानते हैं और भारत देश में पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, तो ऐसे जहरीले फनों को कुचलने का काम यदि कोई करेगा तो योगी जी होंगे। और क्या, किन किन आवाजों को आप निकाल देते हैं?
मैं और योगी आदित्यनाथ जी के अलावा बहुत सारी आवाजें निकाल लेता हूँ, बॉलीवुड एक्टर्स की भी निकाल लेता हूँ, कुछ और पॉलिटिशियंस की निकाल लेता हूँ, लेकिन जितना लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के गेटअप में और उनकी आवाज़ सुन के प्रोत्साहित किया है, अप्रिशिएट किया है, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ मैं यही करने वाला हूँ जी। मुझे इनका जो अजय देवगन का किरदार, मतलब अजय देवगन का आवाज़ जब निकालते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हद तक मैच करा देते हैं, मतलब रियल आप अगर नहीं देख रहे हैं तो लगेगा अजय देवगन ही बात कर रहे हैं। एक बार करके बताओ अजय देवगन साहब कैसे बोलते हैं। अरे वाह क्या बात है, क्या सोचा था, बाबुलिस्सा इंस्पेक्टर है, डराऊंगा, डर जाएगा, तेरी पतलून खिली कर दूंगा मैं, अभी के गांव बेरा है, बेस गांव का जयकार छिकरे, इस तरीके से अजय देवगन का डायलॉग है। राहुल गांधी की अगर इस समय 6 साल के कार्यकाल जो हुए हैं, राहुल गांधी जी की जो है कोर्ट के आदेश पर 6 साल के लिए वो वोट नहीं दे पाएंगे, तो उस पर जो है क्या बोलना चाहेंगे विपक्ष। देखिए सर्वप्रथम मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जब गए तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब मजा नहीं आने वाला है। लोग इंस्टाग्राम पे तमाम मीम्स देखते हैं, अरे भाई कोई तो होना चाहिए ना, मजा कैसे आएगा जी। मनोरंजन की दुनिया में इस समय चर्चित बने हुए छोटे योगी के नाम से, तो ऐसे में कुछ ऐसा मनोरंजन हमें बताएं जिससे जो है लोग आज के मानसिक तनाव से उबर सकें। देखिए क्या है कि हम लोगों की कोशिश यही रहती है, जब वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि लोग इसको जो है मज़े के तौर पे लें और हेट स्पीच ना जाए, हेट कमेंट्स ना जाए, मैं ये चाहता हूँ कि लोग इन्जॉय करें उस चीज़ को। और आप जानते हैं कि कितना स्ट्रेस रहता है, हम लोग का काम जो है इसी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो रेडियो जॉकी के माध्यम से हो, गाने लोगों को सुना के उनके हिसाब से और होस्ट करके शोज होस्ट करना हो या वीडियोस बनाना हो, हर फील्ड से हमारा यही कोशिश रहता है कि लोग इन्जॉय करें, खुश रहें। हमारे साथ बात कर रहे थे जूनियर योगी। कुल मिला जुलाकर इस समय चर्चित चेहरों में जूनियर योगी हैं और उनसे हमारी बात हो रही थी, और निश्चित तौर पर इस समय सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी 7, नवजम्बेटकर नगर।